जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और सीन ऐसे कि उस शख्स को देखें बड़ा दूर खड़ा है, और सुबह सुबह मुझे उठाया, एक काम से जाना है आप लोगों के लिए, बल्कि एक सरप्राइज़ है। तो सरप्राइज़ आपके साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शेयर करेंगे, हम नेक्स्ट वीक में हम आपके साथ उसको रिवील करेंगे। बाकी इसके पास आया हूँ मैं, अभी हम एक छोटे से काम से जा रहे हैं, जो सरप्राइज़ है उसी रोज़ों में भी इसके काम नहीं ख़त्म हो रहे हैं। तो बस आप ये, इसको फीवर भी हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी मेहरबानी है, मेरे साथ जा रहा है। सही बात। तो बाकी स्टे ट्यून। ये हम अफ्तारी पे आ गए हैं, ये आप देखें, क्योंकि जी भाई बताएं कैसा लग रहा है आज हमारे साथ अफ्तारी पे। बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये हम गाड़ी पे काम कराने आए। क्या कह रहे हो? पहली मरतबा अफ्तारी करने आए। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? चलें कुछ दुआएं देंगे इनको जिन्होंने अफ्तारी रखी है, क्या कहेंगे उस बारे में? इसके बारे में अब क्या, अल्लाह पाक इनके रिज़क में बरकत करे। ऑनलाइन और ये उसकी थ्रोटल को ऑनलाइन जाएगी। और जो है बात करें, हम गाड़ी का काम करवा रहे थे सामने, तो ये माशाल्लाह से ये चावल मिल गए हमें। क्या गुम हुआ आपका, क्या गुम हुआ आपका? नहीं नहीं, वो बिलालगंज से जो आपने मंगवाया है। क्या वो चौक आए बता यार, ठीक है, सही हो गया ना, मिल गई है कि नहीं मिली? नहीं, पैसे उसको ना, नहीं नहीं पैसे डूबे नहीं, उसको दिए पैसे। उसका हमारी गाड़ी था चौक सर से खराब। अच्छा, ठीक है, उसने वही टूटा भेज दिया, उसका वापिस भेज दिया, कहा किराया में कहा था, तो मुझे ठीक ला, सही चीज ला के दे। पहले सारी बात डिटेल में आप समझाओ जरा, मैं आपको रोजे के बाद बताऊंगा। अफ्तारी के बाद बताइए अफ्तारी कैसे रही? हमने उसके बाद दूध सोडा दिया यार, उसकी नहीं वीडियो में दूध सोडा दिया मैं, और ऊपर का एक लीटर वाला दूध लिया और हाफ लीटर सेवन अप मिला के दूध सोडा बनाया। ठीक है, कुछ लोगों को भी पिलाया, उन्होंने भी हमें दुआएं दी, ये इनको भी पिलाया। और ये आप मौसम चेक करें, बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया, जालिम सा हो गया, और ये इतने बादल हो गए हैं, आधे लोगों ने जिन्होंने ईद बनाई हुई थी आज की, कि मतलब आज चांद रात है, छत का पेंट खराब हो गया। लेकिन ये छत का पेंट नहीं, ये बादल, ये बादल है सारे। और इस और कुछ कहें यार, ये वॉशिंग दिखाते हैं आपको, ये यहाँ से तलहा जो है जब गाड़ी रेडी करवा लेता है उसके बाद, उनका नाम क्या है, टू प्रीमियम क्विकली। हाँ, ये आप देखें, आप आपको तो कितना अच्छा लग रहा होगा, जूम करके दिखाया जी। तो गाइस बाहर बारिश हो रही है और गाड़ी का स्टिल काम हो रहा है हमारी का, और हम बारिश में इस गाड़ी को यूज नहीं कर सकते, वजह बताइए। वजह यार ये है कि इसके जो वाइपर है ये नहीं चलते, वो फ्री हुए पड़े हैं। तो कुछ कहेंगे, आज अफ्तारी कैसी रही आपकी? ठीक है, चावल, और जो आपने मेरे ये 40 रुपीस जाया करवाए हैं वो भी बताएं। वो ज़ूम करके दिखाएं, गैम्बलर से बैठे हैं ये, जुआ चल रहा है, पे ये जुआ चल रहा है, इसने आज मुझे यहाँ पे खिला दी, वो क्या खिलाया है, चिप्स नहीं खिलाए, प्ले की बात करो, खिलाने वाला बटावे क्या होते हैं, डंडो के साथ गेम्स खिलाए, फुटबॉल, फुटबॉल गेम, तो अब क्या देर है, क्यों घर नहीं जा रहे? बारिश रुकने का देर है, फिर हम गाड़ी यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हों और हम घर चले। और आज सारा दिन हम बाहर ही रहे हैं, सुबह से अभी तक इफ्तारी तक बाहर रहे हैं गाड़ी के चक्करों। और उसकी वजह क्या है, गाड़ी की इतनी इमरजेंसी क्यों आई हुई है, आखिर क्यों आई हुई है?
पाशा को गाड़ी देनी है। पाशा एक हमारा दोस्त है, पनौती है हमारी ज़िंदगी में बेसिकली, वो तो ज़रूर हम उसके उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दें। वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो आपको पता है ये पुलिया में दिखेगा, ब्लैक कलर का अपर और ट्राउजर और एडिडास का ट्राउजर। नहीं वो नीले पीले कलर भी तो पहनता है और उसको यार बाहर से भी तो आते हैं गिफ्ट्स। ब्लेजर पहनता है। आप बताओ यार, मर्दों के कोट को ब्लेजर ही कहते हैं। जॉब ही लेके गया। ये गाड़ी की आप लाइट्स चेक करें तला, ये लाइट्स के बारे में क्या है? ये कौन ग्रीन कलर की लाइट है? हां इसे बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब। बल्ब कहते हैं। आज बड़ा खुश है यार तू, खैर हो? इसकी बैक लाइट्स भी चेंज करवाई है हमने जी। तो गाइस अभी हम फाइनली ये तलहा के घर आ गए हैं, गाड़ी जो है वो देखते हैं रेडी हो गई है, काफ़ी अब तक इसके काम शाम आज हो गए हैं। अभी ये साउंड सिस्टम चेक कर रहे हैं। ओ भाई रोज़ा है सुबह यार, माफ़ी दे दो। तो फाइनली आज का डे कैसा रहा फिर, रोड इफ्तार के बारे में बताओ। गाड़ी कंप्लीट हमने करा दी है, अब गाड़ी के अंदर से लुक चेक करें, खूबसूरत हो गई गाड़ी यार। अब बताएं, अब क्या बताएं, कैसा रहा फिर आज का डे? आज का दिन हमारा बड़ा अच्छा रहा, एडवेंचरस रहा, उसमें हमने गाड़ी के सारे काम कराए, उसके बाद हमने आज रोज़ा भी जो है रोड साइड पे हमने रोज़ा इफ्तार किया है, सेल्फ मेड दूध सोडा बनाया। और दूध सोडा बनाने के बाद वो आइटम जिसका आप इसमें वीडियो में इंट्रो देख चुके हैं, ऑब्वियसली इंट्रो में वही आया था ना। हाँ वो जो शख्स है वो ये आ गया है शख्स, ये रात में देखे आपका नंबर क्यों बिजी था? कहाँ पे मसरूफ थे? किससे? उनसे। यार आज आपने हमें इफ्तारी का पूछा नहीं है यार। इफ्तारी मैंने तुम्हें कहा था तुम आ जाना इफ्तार पे, तुम लोग आए नहीं हो। जाओ यार जाओ, इसका ये कबीर एक टेस्ट ड्राइव लेके आओ, ये साल बैठ गए तो इस पर चलाओ। बैरियर से हो गया टेस्ट ड्राइव भाई, रिंग रोड पे होगी, रिंग रोड पे होगी, उधर चक्कर लगा के इससे रिव्यू लेके आओ। यार मैं जा रहा हूँ अपने घर, क्योंकि मैं सुबह का निकला हूँ, आप भी आ जाओ फिर। नहीं फिर आप भी आ जाओ, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। नहीं आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं अब बताएं क्या सर, अब गाड़ी आपने जैसे ही रोड पे लाए, ओ ये गाड़ी की पिक चेक करें आप, क्या कहना है गाड़ी के बारे में? अब पिक तो सही है, मजा आ रहा है। अच्छा आज काम शाम हो गए इसके फाइनली? काम फिट हो गए। यार ईद नहीं है यार, कल आप सऊदीया से आ गए हो, कल उधर ईद है। इधर आ गए सऊदीया में, कल ईद है यहाँ पे भी इंशाल्लाह से होगी। Okay. तो इसलिए हमें मौका दे देंगे और उधर को अपने गुनाह। लेकिन आधे लोगों ने तो कल की ईद बना रखी थी यार, वो पठानों ने रखी ना। ओके सर यू आर पुटिंग फ्लैश ऑन माय फेस सर, प्लीज डोंट डू दिस ऑन ये ऑन ये सर। रमजान है यार। हां तो मैंने कौन सी गलत बात की? आप लोगों के माइंड ही गलत है यार। माइंड गलत नहीं है, आप खुद ही खराब हो। मैंने क्या बोला? आपने पता नहीं क्या बोला। माशाल्लाह ऐसे सेहत तुम्हारी अच्छी हुई हुई है, सही हराम खा रहे हो आजकल है ना चिट्टे? मेरा नाम चिट्टा नहीं है यार। आराम क्या मतलब इरफान जो खाता है वो आराम प्लस प्लस आराम प्लस प्रो प्रो नहीं माशाल्लाह इरफान देखो, इसको लगता नहीं है, इसके हिस्से का इसको लगता है। हाँ। और इसके हिस्से का मुझे लग जाता है। वो बेचारे हाँ मैंने वो बेचारे फुकरे ये माशाल्लाह ये इसको हर चीज लगती है। तुझे नहीं लगती? नहीं नहीं मैं नॉर्मल, मैं इंसानों वाला हूँ। नहीं अपने बारे में बता, तू तो हवा भी खाता है। तुम्हें अंदर अंदर बैठते हुए क्या मुसीबत थी? यहाँ पे बैठ के क्यों खा रहे हो? बताओ बाहर बैठने के फायदे। बाहर बैठने का एक फायदा है, जान जो मर्जी करो। वाले वालों को पता लगेगा अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। तुम्हें तुम बाहर बैठ के इस टाइम तुम चाट खा रहे हो यार। तो आज इफ्तारी हमारी रोड साइड थी, उधर उससे खजूर थी और थोड़े से चावल खाए हमने और दूध सोडा हमने खुद बनाया। वाह। तो बाकी भूख भी बड़ी सख्त लगी हुई थी, हमने सोचा कि कल ईद हो जाएगी, बट कल ईद ना होने की वजह से हमने
देख लिया कि कल ईद नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि अब घर पे खाना खाया जाए। तो अच्छा तुझे लगा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। टैलेंटेड हो गया, शादी कर देनी चाहिए। लड़का ढूंढे अब तुम्हारे लिए, हम लड़का ढूंढना चाहिए अब इसके लिए। नहीं यार ऐसे ना, अच्छा मेन्यू की बात करें जी, बिरयानी मेरी फेवरेट, अच्छा रायता है साथ, इसके बाद आपको दही भल्ले मिलेंगे, ये चना चाट मेरी फेवरेट है। ओके, चना चाट नहीं है ये, इसको पता है कि मुझे बड़े पसंद है ये। हाँ। तो ये मेरे लिए ये काले चने जो बनवा लेते हैं, तो तुम मिस है जो कि यार दफा मेरे साथ इफ्तार में संदल का शरबत जो है वो मिस है, क्योंकि मैं इसकी तरफ इफ्तारी पे इसलिए नहीं आता, ये संदल का शरबत पिला देता है, वो 20 रुपए का बाहर से मिल जाता है। घर पे आता बंदा शेक बनाता है, कुछ दूध सोडा बनाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें बनाता है, जामशीरी पिलाता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। संदल मैं इसे इसलिए पिलाता हूँ ताकि इसके अंदर ठंडक मिठास पैदा हो, तो संदल बाहर से अंदर से इंसान के अंदर मिठास पैदा करती है। जितनी हमारे में मिठास है इतनी शायद किसी में होगी। पहले आज तुम लोगों ने रोड साइड इफ्तारी की, अब रोड साइड तुम लोग डिनर कर रहे हो। वाओ यार, अपने घर के बाहर बैठे जाओ। ये भी सही है। बताओ यार तला, तुम्हें अंदर बैठ के सुकून नहीं था? यार अंदर ठंडी हवा नहीं मिलनी थी तुम्हें, ठंडी हवा के लिए तुम बाहर आके बैठ गए। कराची में तो फोन लेके भाग देना किसी ने। ये बात तो है वैसे, पता नहीं वहाँ के ऐसे हालात हैं या सिर्फ बनाए हुए हैं, इस बारे में हम नहीं कह सकते कुछ। नहीं तुम कह दो ना कि कराची वालों कमेंट्स में बताओ हैं, तुमने ये नहीं कहना कराची वाले प्लीज कमेंट्स में बताए आप हैं, कमेंट करें इधर, कमेंट में बताए, सब्सक्राइब करें हैं तुम सब, सब्सक्राइब करवा लो। हाँ क्या कहना था अभी, ये भी खाना खा रहे थे, शायद हम लोग का प्रोग्राम बने अभी राया जाने का। राया में कहाँ, वहाँ पे होगा क्या? वहाँ पे ईद फेस्टिवल लगा हुआ है। हाँ तो आज हम आएंगे, चलिए अगर तो प्रोग्राम बना तो आप लोगों को भी साथ लेके चलेंगे, लिए चे राया, ईद शॉपिंग होगी वहाँ पे। अब करनी कुछ नहीं, आप रो रहे हो खान सारा खा गए। हाँ तो वैसे सारा ये गया, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा हमारे लिए। मैं नहीं छोड़ने वाला। क्यों इतने भूखे हो तुम? आज का हम अपना व्लॉग का एंड करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसा, मूसा कम हियर। और हम अपनी स्टोरियां डिस्कस कर रहे थे, सबसे ज्यादा इस शख्स ने अपनी स्टोरियां बताई हैं। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है और आगे भी अच्छा। रोड साइड आज इफ्तार था और रोड साइड ही हमने अभी खाना खाया, तो आज का एक्सपीरियंस बताएं यार अपना। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत एंजॉय किया, आगे हम मज़ीद और एंजॉय करेंगे। हमारे ब्लॉग्स देखते रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आप हमारी शक्लें पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते तो दूसरी दुनिया की तो आप शक्लें दिखाई नहीं, कोई एक पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।